हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जावा फिश ब्रीडिंग टिप्स। मैं समीउल हक आप लोगों को अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो चले आए स्टार्ट करते। सीजन अभी स्टार्ट हुआ है तो कुछ बर्ड ने लेइंग कर दिए, कुछ अभी करेंगे और मैं आप लोगों को दाना वाने के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले अभी मेरा ये भी अंदर गया हुआ बॉक्स के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। एल्बिनो रेड आइस के अंदर है, वो देखिए बाहर आ गया। और डैगिनो की मादी है, ये मादी ये अंदर बैठी हुई आपको नज़र आ रहा होगा। इसने लेइंग करा हुआ मगर मादी बहुत हार्ड है, वो काटती है। इसने भी 3 से 4 अंडे दिए हुए। ये मेरा बहुत अच्छा प्यार है, ये नर बाहर बैठा हुआ बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का नर है, बहुत अच्छे बच्चे पालता है। चले आपको आगे दूसरा प्यार दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा पेयर है, पार ब्लू इनटू एल्बिनो रेड आइस। ये मेरी सबसे, जब मैंने अपना बर्ड्स का काम स्टार्ट किया था, जब सबसे पहला पेयर यही लिया था। बहुत अच्छा पेयर, इसने भी लेइंग करी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से इन्होंने 3 अंडे दिए हुए। अभी 3 अंडे इसने दिया हुआ, इंशाल्लाह ये अभी और दे। ये 6 से 7 अंडे देते हैं, ये पेयर मेरे 6 से 7 अंडे देते हैं और बच्चे भी निकलते। ये थर्ड पेयर, ये क्लियर हेड पाय ब्लू की फीमेल है और एल्बिनो रेड आइस का मेल है। ये फीमेल अभी ब्रीड में आ गई, तकरीबन 3-4 दिन में अंडे दे देंगे। ये आप इसकी वेट देख रहे होंगे, ये भी ब्रीड में। ये आज मैंने एक नया पेयर लगाया अपना पार ब्लू इनटू एल्बिनो रेड आइस। ये नया पेयर हुआ, देखते हैं अभी पेयर लग के फिर इसको बॉक्स लगाऊंगा तो देखते क्या होता है। ये पांचवा पेयर है मेरा क्रिमिनो इनटू एल पेस्टेलिनो। इसने भी क्रॉसिंग कर ली है। एक डेढ़ हफ्ते में अंदर ये पेयर है मेरा सबसे बेहतरीन पेयर। ये है पेल फेलो स्प्लिट, ग्रीन पेल फेलो का स्प्लिट है। मेल बाहर है, फीमेल अंदर, मैं दिखाता हूँ। फीमेल अंदर है, ये देखिए फीमेल ने लेइंग करी हुई है मेरे ख्याल से। जी ये देखिए 2 अंडा माशाल्लाह से इन्होंने दिया, माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। ये फीमेल ये पेल फेलो स्प्लिट का पेयर। ये एक और पेयर है मेरे पास, ये स्प्लिट वाइट सेबल है, ये स्प्लिट इनो है। ये ब्रीड करिए तो पता चलेगा कि रेड आइस कंफर्म इसमें आएगा। ये मेरे घर का अंदर से दिखा दे, ये मेरे घर का पेयर है। ये भी देखिए अभी इन्होंने भी क्रॉसिंग कर लिया, देखिए कब तक टैग्स देते। अच्छा ये पेयर है मेरा, ये ऊपर अंदर गया, बॉक्स के अंदर गया हुआ, मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा पेयर है, लोटिनो पसनाडा रेड आइस का पेयर। ये देखिए इसको डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगा, उसे दिखाता। इसने अभी ब्रीड नहीं करी, ये भी कर देगा 1-1.5 हफ्ते में। ये भी बहुत अच्छा पेयर है मेरा। ये देखिए ये एक और पेयर है मेरा एल्बिनो ब्लैक आइस। ये है तो ब्लैक आइस मगर ये रेड आइस बच्चे निकालते कंफर्म। इसने भी नेस्टिंग मेरे ख्याल से एक पता नहीं दिए या नहीं दिए नेस्टिंग। ये देखिए नेस्टिंग इन्होंने कर लिया, तकरीबन उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द दे। ये एक और पेयर है मेरा, ये देखिए ये सबसे बेहतरीन पेयर, ये मेरे पास क्रिमिनो डैगिनो, ये सब बच्चे निकालते। ये मिस्ट्री पाब्लो की फीमेल है और एल्बिनो रेड आइस का मेल है। इन्होंने अभी ब्रीड तो नहीं करी है मगर दिखा देता हूँ, ये भी इंशाल्लाह अभी सीजन स्टार्ट हुआ तो उम्मीद है कर देंगे। देखिए ये थर्ड पेयर है, ये ग्रीन फिशर है मगर स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पाय ब्लू, स्प्लिट ऑफलाइन ये पेयर है। इसने भी माशाल्लाह से नेस्टिंग तो कर ली है मगर अभी एक्स अभी तक नहीं आया। ये देखिए अभी नेस्टिंग इन्होंने माशाल्लाह से कर लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द एक्स आ जाएगा।
ये मेरा, ये अभी मैंने ये नया पेन परचेस किया था 1 हफ्ते पहले, ये लुटिनो, लुटिनो ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब है इसीलिए लुटिनो, लुटिनो का पेयर ये मैंने अभी परचेस करा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टॉप क्लास साइज़ का पेयर है। इसने भी पता नहीं मैस्टिंग नहीं पूछा है, अभी मैंने इसे 3 दिन पहले बॉक्स लगाया है जी, इसने भी तकरीबन कर लिया है, इंशाल्लाह ये भी करेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ओके वीरस, ये मेरे बड्स की प्रोग्रेस थी, ये पहला शर्ट है मेरा, दूसरा शर्ट बराबर है, उसकी भी वीडियो आएगी बहुत जल्द 1-2 दिन में। तो दोस्तों मेरे चैनल बड्स ब्रीडिंग टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें ताकि ऐसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते हैं। मैं दाने के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, सॉफ्ट फूड और मैं मेडिसिन क्या यूज़ करवा रहा हूँ वो सब इंशाल्लाह बताऊंगा एक एक वीडियो में, हर वीडियो में नेस्टिंग मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। नेस्टिंग मटेरियल वैसे मैं बता दूँ, गधा घास यूज़, वो मुंज यूज़ कर रहा हूँ, गधा घास भी यूज़ कर रहा हूँ और लहसुन भी यूज़ कर रहा हूँ। और दाने में देखिए बीज है, लाल कोनी है, मोटी कोनी है, बारीक कोनी है, कनेरी सीट है, भंग है, बाजरा है, जई है, इसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मैं भुट्टा मकई में हर एक दिन बाद यूज़ कराता हूँ। सॉफ्ट फूड भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में कैसे बनता है। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।